अस्सलाम वालेकुम भाई रसूर। अक्सर का नाम एस फैसल है और अक्सर का ताल्लुक केरला से है। अक्सर का सवाल है कि जामिया के पढ़ाई के साथ साथ किस तरह अपनी मादरी ज़बान को बेहतर कर सकते हैं। किस तरह मादरी ज़बान को बेहतर कर सकते हैं? देखो, जामिया के पढ़ाई के दौरान तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जानी चाहिए, ठीक है। घंटा एक घंटा आपके प्रोग्राम में है खेलने के लिए, जो सारी रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक। अगर आप दो घंटे भी खेल लेते हैं तो जो आपका दूसरा मुतालिया है, फिर आपको बताया गया कि लाइब्रेरी में मुख्तलिफ अखबारात भी आते हैं, रसाइल भी आते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के रसाइल और अखबारात आते हैं ना, तो आपकी जो मादरी ज़बान है उसके भी रसाइल और रसाले या अखबारात आते होंगे। अगर नहीं आते तो जामिया की इंतज़ामिया को चाहिए उनको मंगवाया करें। उन तलबा के लिए मुख्तलिफ ज़बानें जो इंडिया की हैं उनके रसाइल भी आने चाहिए, जो अच्छी किस्म के रसाइल हों, इल्मी और अदबी रसाइल हों, जो मौजूदा लिटरेचर से मुताबकत रखते हों, मौजूदा ज़बान जो है, जो ज़बानों में तब्दीलियाँ हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, उससे भी मुताबकत रखते हों, उसको आप पढ़ें। साथ साथ जो मुतालिया में रखेंगे अपने जो जायद मुतालिया है उसमें रसाले और वगैरह और अखबारात वगैरह, तो आपकी ज़ुबान बेहतर हो जाएगी अपनी मुकामी ज़ुबान में भी। और फिर जामिया में आप उर्दू सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, और उसके साथ अपनी मुकामी ज़बान को भी बेहतर करेंगे तो आइंदा आपको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताबों की तर्जमा तफसीर करने में, अहादीस का तर्जमा तफसीर करने में, कुरान करीम की तर्जमा और तफसीर करने में आसानी पैदा होगी। और जब आप फील्ड में जाएंगे, अगर अपने इलाके में जाते हैं तो वहाँ मुकामी ज़बान में लोगों को बेहतर रंग में आप बता सकेंगे, ठीक है। तो ये तो मुतालिया है आपका, ज़ायद मुतालिया में इसको शामिल करें कि मुकामी रसाले और अखबारात पढ़ने हैं, ठीक है मौलवी साहब। चलो फिर बैठ जाओ मौलवी।